एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं फिर से फायरलेस रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बिस्किट और कोकोनट के लड्डू हम बनाने वाले हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बिस्किट, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हो। मैंने यहाँ पर पार्ले जी लिया है। तो चलिए सारे बिस्किट को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 पैकेट बिस्किट का इस्तेमाल किया। ये कब लगभग आपके 250 ग्राम बिस्किट होंगे। तो अभी हम इनका एक फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए एक मिक्सर जार। इसमें सारे बिस्किट को हम डाल देंगे और इसका एक बहुत अच्छा फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। अब हमने इसका एक फाइन पाउडर यहाँ पर बना करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फाइन बना है। तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसका टेक्सचर देख सकते हो, बहुत अच्छा और फाइन है एकदम। अब हम इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे, साथ में डालेंगे 2 चम्मच घी। तो कॉफ़ी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 चम्मच घी इसमें ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर चॉकलेट सीरप भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये यहाँ पर मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध इसमें धीरे धीरे करके ऐड करना है और बहुत ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना है। तो जितनी की आपको ज़रूरत हो उतना दूध आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप में से भी आधा दूध इस्तेमाल किया है। अब देख सकते हो, पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़ने के बाद हम इसमें और दूध ऐड करेंगे, वरना इसमें थोड़ा सा दूध जाएगा। लगभग मैंने यहाँ पे 1/4 कप दूध का इस्तेमाल किया था। अभी हम इसका एक अच्छा डो तैयार कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसका डो बहुत ही अच्छा रेड सेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं धीरे धीरे इसका जो डो है वो अच्छा सेट होने लगा है। अब हम इसे हाथ से सेट करेंगे डो को, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। हमें इसके लड्डू बनाने हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इसका डो अच्छा होना चाहिए। तो डो यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हम कोकोनट की फिलिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप कोकोनट लिया है। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, जिसे हम कोकोनट का बुरादा भी बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर 1/4 कप शुगर ऐड करेंगे। ये पिसी हुई चीनी है। और अब हम डालेंगे इसमें घी। चीनी में मैंने इलायची पाउडर मिक्स किया था। तो साथ में अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। 2 चम्मच घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे क्या है ना, बहुत अच्छी चिकनाहट इसमें आएगी और लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो अभी हम कोकोनट पाउडर में डालेंगे दूध। दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसकी भी एक अच्छी सी फिलिंग तैयार हो जाए। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा दूध इस्तेमाल करना है, ज़्यादा दूध आपको नहीं लेना। आप देख सकते हो मैंने 1/4 का भी आधा दूध लिया था और वो भी बच गया है। यहाँ से सिर्फ 2 चम्मच दूध का इस्तेमाल हुआ है और फिलिंग अच्छी बन गई है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसके बहुत अच्छे से वापस डो बना के तैयार कर लेंगे। दोनों चीज़ों को अलग अलग बना के आप मिक्स कीजिएगा। अगर एक साथ मिलाओगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोकोनट का पाउडर अलग टाइप का होता है और बिस्किट का पाउडर अलग होता है। तो चलिए, डो हमारा बन करके रेडी हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं, यानी कि इसकी छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। आप इसकी पेड़ा बना सकते हो, आप इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हो। तो चलिए, हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बॉल से लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कितने इजीली इसके जो लड्डू हैं वो बनकर के रेडी हो चुके हैं। बाकी सबके भी लड्डू हम बना करके रेडी कर लेते हैं। तो लड्डू हमारे यहाँ बन करके रेडी हो चुके हैं। इसको डेसिकेटेड कोकोनट के साथ कवर करेंगे और हमारा सुपर डिलीशियस और टेस्टी लड्डू बन करके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी के लड्डुओं को भी कोकोनट से कवर कर लेंगे। इससे इसकी फिलिंग भी बहुत अच्छी आती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो गाइस, इसे ज़रूर बनाइएगा। बना करके रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और लड्डू कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं जो फायरलेस हो, तो अब अगर आप इस रेसिपी को बनाओगे तो ज़रूर फर्स्ट आओगे। तो ये लीजिए, लड्डू हमारे यहाँ पर बन करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सारे हमने कोकोनट से कवर कर लिए हैं और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये लड्डू बना है। देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस यहाँ पे ये बन करके रेडी हो चुका है। टूटने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अच्छा, चलिए बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।